रात अपने हमारे साथियों से वो झगड़ रहा था। उनके यार हदीस मुबारक में आया है ना तलबीना, वो तलबीना क्या होता है? उनका जी वो तो जौ का होता है। उनका तो जौ का तो होता है लेकिन उसका तरीका क्या है? वो तो बाकायदा हदीस में है कि हजूर पाक ने फरमाया था सैयदना जिब्रील से कि जिब्राइल एक तो मुझको बड़ी कमज़ोरी और वीकनेस महसूस हो रही है और दूसरा मुझ पर आजकल जो है हुज़्न और हमूम का ज़्यादा हमला है, गम का, तो इसका क्या इलाज किया जाए? उन्होंने कहा हजूर आप तलबीना इस्तेमाल करें। बीबी आयशा फिर हजूर के लिए तलबीना बनाती थी और हजूर ने फरमाया ये तलबीना जो है ये तमाम हम और गम को मिटा देने वाली चीज है और दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मल्टीविटामिन के सुबह इंजेक्शन भी उतनी फायदा नहीं देता जितना वो तलबीना देता है। तो मैं बड़ा परेशान था, मुझे हदीस मुबारक नहीं मिल रही थी तो मैंने अपने छोटी बच्ची से कहा एक सेकंड में उसने जनाब इधर उधर से आप ये देखो दादा, अब मुझे तो आता नहीं ना, मैं तो टेलीफोन सुन सकता हूँ बंद कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं जानता। अच्छा कभी तो वो मुझे बंद करना भी भूल जाता है, कभी साइलेंट पे लगा दूं तो खोलना भूल जाता है और काले आती रहती है। लोग कहते हैं वकीला बड़े आदमी हो गया सुनते नहीं, मुझे पता ही नहीं तो सुनूंगा क्या, मिट्टी सुनूंगा। अच्छा एक तकलीफ की वजह से डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि आप टेलीफोन कान पे रख के नहीं सुन सकते, आप माइक्रोफोन लगा के टेलीफोन को दूर रखा करें ताकि उसकी श्वान लेजर जो है वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो बहरहाल तलबीना क्या है याद रखो, मैं हजूर की रिजा है। एक तो होता है ना जौ दलिया, जैसे दलिया तो आजकल अंग्रेजों का भी गिज़ा है ना, सबसे पहले सुबह पे नाश्ते हैं उनके लिए दलिया लाजमी होता है ना, तो वो जो हुजूर का फरमान है वो ये है कि जौ हो लेकिन उसको साफ ना किया जाए, जौ अपनी उसी तरह उसके नखल के अंदर हो, यानी उसका ऊपर का छिलका ना निकालो, छिलके में रहने दो, उसी को पीस के वो आटा बन गया। अब उसको पहले थोड़े से पानी में गर्म करें, गर्म करने के बाद वो उसकी कुव्वत जो है उसके बाद फिर गर्म दूध के अंदर उसको डाल दें और एक चम्मच जो है वो शहद डाल दें, और अगर शहद ना हो तो अजवा खजूर डाल दें दो तीन दाने, बस तलबीना तैयार हो गया। और फिर ये भी याद रखें कि अब दुनिया की जो नई तहकीक है उसमें भी कहा है कि जो हजूर ने फरमाया है ना जो बगैर छिला हुआ बगैर साफ किया हुआ उसको पीस के अगर रोटी बनाई जाए तो शुगर खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने हजूर की नहीं माननी ना तो मैंने अंग्रेजों की भी एक बात बता दी कि उस पर तो खैर आप अमल करेंगे ना कि जी डॉक्टरों ने कहा है ना, हालांकि एक करोड़ डॉक्टर इकट्ठे करो ना तो इनका इल्म हजूर की जूती से भी कम है, इनका क्या इल्म है, उसको जिब्रील बता देते, कमजोरी का इलाज भी जिब्रील बता रहे हैं।